न्यायालय में महिला वकील से अभद्रता, डीजे और अध्यक्ष से की शिकायत। आरोपित वकील से अध्यक्ष ने मांगा जवाब। जिला न्यायालय परिसर में प्रैक्टिस करने वाली एक महिला वकील योगिता झा ने अपने साथी वकील रितेश जैन पर उसके साथ अभद्रता करने का आरोप लगाया है। महिला वकील ने मामले की शिकायत डीजे के साथ बार काउंसिल के अध्यक्ष को भी दर्ज कराई है। योगिता के अनुसार वो कोर्ट में किसी व्यक्ति से बात कर रही थी, तभी रितेश जैन वहां आया और उसे नीचा दिखाने की मंशा से टिप्पणी की। जब उसने इसका विरोध किया तो वकील ने उसे भरे कोर्ट में कहा कि तू कोर्ट के बाहर चल, तुझे देखता हूँ। कुल मिलाकर वकील ने बदतमीजी से महिला से बात की। ये 4 तारीख की बात है, 4 जनवरी की, और शाम के 3 या 4 बजे के लगभग की बात है। उस समय कोई विवाद ही नहीं था, बिना किसी विवाद के मैं अपने एक सर थे उनसे बात कर रही थी, और बिना किसी बात के ये रितेश जैन का नाम का जो वकील है वो बीच में कूदा, जबकि उससे मेरा कोई विवाद नहीं, मैं उससे बात भी नहीं कर रही थी। उसने पहले मुझसे बोला कि तू धड़ाक करके, मैंने इग्नोर कर दिया क्योंकि मुझे पता ये लोग ऐसे ही होते हैं। तो उसके बाद वो सीधे धमकी पे आ गया, तू बाहर चल, तू है कौन, मतलब जैसे वो लड़ने के मूड में ही हो। और फिर उसके बाद इतना मैं सहन नहीं कर पाई, तू धड़ाक, और सब लोग वहाँ तमाशा देख रहे थे। तो मैंने बस उससे इतना बोला, मैंने कि भैया आप तमीज़ से बात करो, पहले बात तो मेरे साथ तू धड़ाक मत करो। उस पर तो वो और ज़्यादा हावी हो गया कि बाहर चल, तुझे बाहर चल के देखता हूँ। तो बस इतनी सी बात थी। और वहाँ पर ऊपर से सभी वकील, कोई कुछ नहीं बोला कि एक लड़की से कोर्ट के अंदर इतनी बदतमीजी से बात की जा रही है। और वहाँ मेरे सर, जिनको हमने इलेक्शन में वोट दिया, सचिव महोदय जी, पंकज आहूजा जी, और वो सब वहाँ उपस्थित थे। किसी ने ये तक नहीं कहा कि तू भरी कोर्ट में एक लड़की से कैसे तू तड़ाक करके बात कर रहा है। तो मेरे लिए तो एक वहाँ पर उपस्थित सभी व्यक्तियों के लिए ये संदेश जाता है कि महिलाएं सुरक्षा तरीके से होता रहा तो लड़कियां प्रैक्टिस करने आएंगी ही नहीं, और शायद उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं कुछ तो है अव्यवस्था कोर्ट के अंदर। तो मैं बस इतना ही कहूँगी कि लड़कियों को थोड़ा सा बार काउंसिल में, बार काउंसिल से इतना मदद मिल जाए कि उनके लिए बैठने की एक अलग से सेपरेट व्यवस्था हो, उनको इस पुरुष वकीलों के साथ ना उनको बैठाया जाए, उनके लिए बार में एक अलग से महिला अधिवक्तागण के लिए एक रूम बनाया जाए जहाँ पे हम अलग से सेपरेट होके बैठेंगे और वहीं वकालत करेंगे। जी मैंने अपने जो अध्यक्ष हैं बार काउंसिल के, शैलन समाधिया जी, उनको मैंने इस चीज़ की शिकायत की है, और डीएल साहब को भी मैंने इस चीज़ की शिकायत की है, और उनसे आवेदन, उनको आवेदन भी दिया है।